लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग बैठ के शाम के टाइम गुलाब जामुन खा रहे थे। गुलाब जामुन के बाद हम लोग आउटिंग पे बाहर निकले थे। बहुत ही अच्छा मेरा लास्ट वाला सैटरडे संडे गया था, मुझे अभी भी याद आ रहा है। पूरा एक वीक हो गया, आई एम मिसिंग दैट सैटरडे एंड संडे। और मीन वाइल मैंने थोड़ी बहुत ही व्लॉगिंग करी, ज़्यादा नहीं करी, कुछ ही एक दो ही व्लॉग्स बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए बीच में। और मैं तैयार हो गई ये कुर्ती पहन के, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये पहन के लगती भी बहुत ग्रेसफुल है। बाहर जा रही हूँ अभी, हम सभी जा रहे हैं। हमारा जादू है, हमारा जलवा है। चलो चलो चलो, हम लोग जा रहे हैं कुमी कुमी। सब लोग तैयार होके निकल रहे हैं हम बाहर। ये लोग रात को ना लेट से जाने वाले हैं खाना वाना खा के। अभी हम बाहर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, फिर ये लोग अपने घर पे निकल जाएंगे बाहर से ही डिनर करके। आई कर रहा है बच्चा, आई कर रहा है। वेदर भी इतना प्यारा हो रहा है ना, ऐसे में घूमने जाओ तो और ही मजा आता है। हम कुछ लोग गाड़ी में बैठेंगे और ये कुणाल अपने बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, इसके पास वो है बुलेट। और देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा था, बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम ऐसे मौसम में घूमो ना तो बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है। कुछ लोग बहुत प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ उन्होंने तो ये बोला है ऐसा लग रहा है जैसे आपके मतलब बच्चे आ गए हों छुट्टी में, इतने प्यार से वो लोग सबके साथ खेल रहे हैं। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, ऐसे ही होने चाहिए। समझते हो तुम लोग खुद को? अच्छा वो रोड पे खड़े थे। गाइस 25th ऑफ जुलाई से 29th ऑफ जुलाई तक चलने वाली है ब्यूटी सेल अमेज़न पे। और इस टाइम पे आपको बहुत अमेजिंग ऑफर्स और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ब्यूटी सेल 25th ऑफ जुलाई से 29th ऑफ जुलाई तक है, जिसमें मिनिमम 25% ऑफ मेकअप टॉप ब्रांड्स पे, जैसे कि रिनी, स्विस ब्यूटी एंड मैनी मोर। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं। नीचे सबके लिंक दे दूंगी, एक माई हॉल स्टोर लिंक भी दे दूंगी, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेरी सब चीज़ें आपको एक साथ देखने मिल जाएंगी। और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है क्योंकि ब्यूटी सेल चल रही है, तो अमेज़न पे तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भरमार है। और मेरे घर में सारे हेयर केयर हो या मेकअप हो या लिपस्टिक हो, सब कुछ अमेज़न से आता है, एंड यू नो दैट, आप मेरे व्लॉग्स में देखते भी हो। तो चलो फटाफट शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया। मैंने मम्मा आर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं इस बार, क्योंकि मम्मा आर्थ के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी कुछ चीज़ें मैंने मम्मा आर्थ की मंगवाई हैं। तो ये है मम्मा आर्थ की विटामिन सी कोल्ड क्रीम। वैसे तो अभी मानसून चल रहा है, लेकिन ये मुझे एक बहुत अच्छा ग्लो देती है। इनकी सीरम्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और कौन कौन से सीरम यूज़ कर रही हूँ, एक तो देखो ये वाला सीरम मैं यूज़ करती हूँ, जिसको यूज़ करते मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसके मुझे बहुत बेनिफिट मिले हैं। ये मम्मा का स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम है, जिसके अंदर विटामिन सी और टर्मरिक है। और ये इतना अच्छा है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन हुआ करती थी पहले यहाँ पे, जो कि इस वाले सीरम को यूज़ करने से निकल गई है और एक अच्छा सा ग्लो भी आ गया है। और एक और सीरम मैं इनका यूज़ कर रही हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, दैट इज़ बीट रूट वाला फेस सीरम। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये है वो बीटरूट वाला फेस सीरम, ये है मम्मा बीटरूट हाइड्रोफुल एसेंस सीरम। ये देखो कितना कम हो गया है, इतना हो गया है ये यूज़ कर करके। और इससे बहुत अच्छा मुझे ग्लो मिलता है, और इससे विटामिन सी वाले सीरम से मम्मा के मेरे जितने भी पिगमेंटेशन मार्क्स थे, पिगमेंटेशन थी, वो सब एक काफ़ी लिमिट तक देखिए दूर हो चुकी है। काफ़ी लिमिट तक मेरी पिगमेंटेशन चली गई, बाकी यहाँ मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन हुआ करती थी, यहाँ पे भी थोड़े ब्लैक, और ये देखिए ये भी लाइट हो गए, जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था वो भी यही लगाने से लाइट हुआ है। तो दिस इज आई यूज दिस सीरम फॉर ग्लो, एंड आई यूज दिस सीरम फॉर पिगमेंटेशन एंड मार्क्स वगैरह। तो ये दोनों सीरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने अमेजन से बार बार इनको मंगवाती हूँ, जैसे ही खत्म होते वैसे ही मंगवा लेती हूँ। विटामिन सी का कोल्ड क्रीम मैं इसको मानसून में यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी मैं विटामिन सी का सीरम लगा के ऊपर से इसको यूज़ करती हूँ, विटामिन सी का कोल्ड क्रीम, तो मुझे बहुत अच्छा ग्लो मिल जाता है। इसके अलावा मैंने मंगवाया है ये है मम्मार्ट का राइस फेस स्क्रब, जिसके अंदर राइस वाटर और नियासिनमाइड है। ये स्क्रब बहुत अच्छा है, आपको वैसे भी स्किन पे 15 दिन में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं करनी चाहिए, आई थिंक 15 दिन में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो मम्मार्ट पर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ये मम्मार्ट का राइस फेस स्क्रब है, राइस वाला स्क्रब है, बहुत अच्छा है। मैंने मंगवाया है वाओ का ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बहुत अच्छा है। वाओ का जो कोकोनट ऑयल है, आई जस्ट लव इट। इसका बॉटल
और ये बहुत अच्छा है गाइज, आप बालों में लगाओ, स्किन पे लगाओ, बालों में मसाज करो, इससे कुछ भी करो, ये बहुत अच्छा है। विटामिन सॉरी कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल प्योर एंड नेचुरल, वाओ स्किन साइंस। वाओ की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हैं और मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। इसके बाद में मैंने मंगवाया है, दो मंगवाए हैं सेम, मम्मा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये दो मैंने एक साथ मंगवा लिया, कुछ डिस्काउंट चल रहा है ना अभी, तो मैंने दो मंगवा लिए एक साथ। ये रोजमेरी का मम्मा अर्थ का शैम्पू है एंटी हेयर फॉल। रोजमेरी तो वैसे भी अच्छा होता है, हेल्प करता है। इनकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफ़ी नेचुरल होते हैं। और इसी का मैंने मंगवाया है कंडीशनर। ऑब्वियसली मैं जब उसका शैम्पू यूज़ करती हूँ तो कंडीशनर भी मैं मंथ में कई बार यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बाल सॉफ्ट बने रहते हैं। तो ये है मम्मा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। तो शैम्पू कंडीशनर दोनों मैंने दो दो मंगवा लिए हैं। इसके बाद मैंने मंगवाया है, प्रिशा को ना डैंड्रफ रहती है तो जिस वजह से मैं यूज़ करती हूँ मम्मार्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें लेमन और जिंजर है। ये भी मम्मार्थ का ही है लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये आप यूज़ करके देखो, ये बहुत बढ़िया है। जिनको भी डैंड्रफ रहती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, नेचुरल सॉल्यूशन है। क्योंकि कहते हैं डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ करते हो तो बाल जो है झड़ने लगते हैं कुछ लोगों के, लेकिन ये एक नेचुरल ब्रांड है, मतलब नेचुरल चीज़ें बनाता है, तो इसी वजह से आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने मंगवाया है ओनियन कंडीशनर, एक मंगवा के रखा है मैंने, क्योंकि जब बाल झड़ रहे होते हैं तो मुझे जनरली मम्मार्थ के कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये है मम्मार्थ का अनियन कंडीशनर, जिसके अंदर अनियन और कोकोनट है। और ये है कर्ड स्मूथनिंग कंडीशनर। इनका शैम्पू भी मैंने मंगवाया था, वो खत्म हो गया, सिर्फ कंडीशनर बचा है, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। मम्मार्थ की सारी चीज़ें मेरे घर में यूज़ होती हैं। और ये है मम्मार्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मैंने आपको दिखाया ना, उसके साथ ये लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर भी है, दोनों साथ में मंगवाए थे। इसके बाद में मैंने मंगवाई है मम्मार्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। ये आप डेली सुबह में भी लगा सकते हो, मेकअप से पहले एज अ बेस लगा सकते हो। विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके जो भी पिगमेंटेशन वगैरह है उसको रिमूव करने में, बहुत ज़्यादा मदद करता है, गो फॉर इट। इसके बाद मेरा एक फेवरेट फाउंडेशन है, वो है मम्मार्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। विटामिन सी है इसके अंदर भी, और इसका 8 नंबर नेचुरल ग्लो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ, मेरे कलर में काफ़ी, वैसे 8 नंबर है, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन तो काफ़ी फेयर है, बट ये मुझे सूट कर जाता है। Let me show you. ठीक है, तो चल मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज करके अभी। देखिए कितने अच्छे से मैच हो गया। और ग्लो सीरम फाउंडेशन है ये, तो समझ लो कि इसके अंदर सीरम भी है, मतलब एक ग्लो भी देता है। देखो कितना अच्छा ग्लो दे दिया इसमें, हो गया ना मैच। तो इनके जो फाउंडेशंस हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं, और इनकी लिपस्टिक तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं बात कर लेती हूँ वापस से आपके साथ कुछ काजल के बारे में। तो काजल देखिए मेरे पास कई सारे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें लैक्मे, फेसेस कैनेडा और स्विस ब्यूटी, ये तीन ब्रांड्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लैक्मे के हैं, एक ब्राउन कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैंने ब्राउन वाला भी लगा रखा है। ये काजल है, लेकिन इसको एज अ आईलाइनर भी मैं अप्लाई करती हूँ। और इसका काजल भी आप अगर यूज़ करोगे, देखो ये ब्राउन वाला है, वाओ, पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा ना, हमेशा हम ब्लैक काजल लगाते हैं तो कभी आप डिफरेंट कलर लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर, और आप इसको एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास है दो लिपस्टिक स्विस ब्यूटी की, एक मैंने अप्लाई करी हुई है, ये है विविड मजेंटा शेड, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये लगाने के बाद देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो ये है विविड मजेंटा, अगर किसी को मेरे वाले शेड्स पसंद है तो मैं नीचे लिंक छोड़ रही हूँ विविड मजेंटा का। और ये शेड है हॉट रेड, ये रेड कलर है, बहुत ही प्यारा सा, और ये लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, कभी कभी मैं पिंक के ऊपर हल्का सा रेड अप्लाई कर लेती हूँ तो एक बहुत ही प्यारा सा कलर बन जाता है। तो ये हॉट रेड शेड है, बहुत अच्छा है, मैं ख़त्म होने आया, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। और मैं जनरली पिंक के साथ कई बार इसको ऐसे ही मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनके आई लाइनर जो स्केच लाइनर्स निकले हैं उसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ूंगी, वो भी बहुत बढ़िया, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी जितनी भी ये मैंने ब्यूटी की चीज़ें दिखाई हैं, गो फॉर इट गाइज। और एक ही मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंडीशनर है, गार्नियर का लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कंडीशनर। इसको मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ किया करती हूँ कभी कभी, और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं या बहुत रूखे सूखे हैं, तो वो कंडीशनर बहुत अच्छे से कर देता है। सो गो फॉर इट गाइज। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको शो करें सबका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा।
करने से पहले एक चीज मैं बता देती हूँ, ये रिक्वेस्टेड है, ये ना मैं कई बार व्लॉग में लगाती हूँ ये वाला कलर, कई सारे लोग पूछते हैं दीदी कौन सा कलर है, तो ये मेबेलिन का मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक है जो कि लगने के बाद ड्राई नहीं होती, काफी अच्छी रहती है और मैं इसको एज अ ब्लश यूज करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आज किस तरह से, ये कलर जनरली व्लॉग में मैं नहाने के बाद लगाती हूँ और कई लोग पूछते हैं कि दीदी ये लाइट सा शेड कौन सा है, तो देखो इसको मैं एज अ ब्लश भी यूज करती हूँ, आजकल मैं यही ब्लश की तरह यूज करती हूँ और ये मेरा शुगर का ब्रश है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ब्रश भी आप बाय कर सकते हो, उसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, ठीक है। वाह देखो कितना सुंदर ब्लश लगा है, लग के एक अलग ही रौनक आ गई है चेहरे पे। अगर आपको डार्क ब्लश पसंद है आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, आजकल तो लोग ऐसे करके भी लगाते हैं, ठीक है चलो ऐसे करके लगाते हैं। अमेजिंग, आजकल ना बहुत फैशन चल रहा है, मतलब ब्लश अगर आपने अच्छे से लगा लिया ना तो आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारा सा ग्लो आ जाता है। वाओ अमेजिंग, सी दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्लो जो कि सिर्फ इस लिपस्टिक से आया है, इसको मैंने एज अ ब्लश लगाया, और अगर आप इसे एज अ मतलब लिप्स पे लगाओगे एज अ लिपस्टिक तो ये बहुत प्यारा कलर है। जब मैं व्लॉग में नहा के लाइट शेड लगाती हूँ तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ये मेबेलिन का शेड है और इसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, तो चेकआउट जरूर कर लेना। तो जितनी भी चीज़ें शो करिए सबके लिंक नीचे हैं, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए और अमेजन की इस ब्यूटी सेल का पूरा फायदा उठाइए। इस टाइम पर जो भी बाय करना है गो फॉर इट गाइस, और ये जो सेल चल रही है अमेजन पर इसका पूरा फायदा उठाइएगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, आपको लग रहा होगा मैंने अमेज़न का कुछ चीज़ें आपको शो करी, वो ज़रूरी थी क्योंकि कल तक की ही सेल है तो मुझे लगा कि आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आपको पूरा बेनिफिट मिले, काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट अमेज़न पे चल रहे हैं तो आप इस वक्त कुछ भी बाय कर सकते हो, ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के लिए चेक कर लेना। हम लोग पूरी शाम बहुत घूमे थे, हमने खूब मज़ा किया, रास्ते में जूडियो दिखाई दे गया, इन लोगों को थोड़ी शॉपिंग भी करने का मन था तो हमने सोचा चलो जूडियो चलते हैं, हमने तो कोई शॉपिंग नहीं करी, हमने बीच में कर ली, आपने देखा भी होगा व्लॉग, लेकिन इन लोगों को कुछ सामान लेना था और ये दोनों है ना बिल्कुल ऐसे दोस्तों की तरह रहते हैं, जबकि एज गैप बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, बट यार दोस्ती में चलता है, ऐसे ही होता है, मतलब बॉन्ड होना ही चाहिए, वी शेयर अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन अस वी टू फैमिलीज, और अच्छा लगता है ऐसे, बहुत मजा आता है। तो पूरा शाम हमारा शॉपिंग करते गया, फिर हम लोग गए एक जगह पे पाव भाजी खाने के लिए जहां की बहुत फेमस है, और इसके बाद ये लोग चले गए अपने घर पे। चलिए व्लॉग को लाइक कर देना, बाय बाय।